विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारियों से भूपेश कुमार जेई समगरा द्वारा 20,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है मामला, जहां पर आज संविदा कर्मी गुरुदेव प्रसाद पुत्र राजेंद्र प्रसाद ग्राम पोस्ट का निवासी है, जो कि 3311 KV समगरा पावर हाउस में सन 2016 में नियुक्त था और वर्तमान में 3311 KV मरका पावर हाउस में कार्य कर रहा था। एक वर्ष से मरका पावर हाउस के सभी फीडर के सर्वे जेई भूपेश कुमार के आदेशानुसार संविदा कर्मी रामभरण के द्वारा कराया जा रहा था, जो कि मरका फीडर के अंतर्गत कई कनेक्शन में फर्जी रिपोर्ट लगाकर कनेक्शन दिया गया था और कहा कि तुम समगरा में जहाँ नियुक्त हो वहाँ कार्य करो। हमने कहा कि सर आप लिखित में दे दीजिए और अभी तक लिखित आदेश नहीं किया गया है। सितंबर माह में इमाम अली को 30 दिन के प्रेजेंटे बनाई गई, जो कि 20 सितंबर को अधिशासी अभियंता द्वारा विभाग से बाहर कर दिया गया था और जेई द्वारा बाहर होने के बाद भी बनाई गई है, जो गलत है। हमारी मांग है कि जेई भूपेश कुमार की जांच करते हुए 10 दिन की प्रेजेंटे विभाग FIR दर्ज कराए। कहां से आए हैं? मरका से आए हुए हैं। किस तरह की समस्या है आपकी? समस्या बिजली विभाग में, हम संविदा कर्मचारी लाइनमैन के पद पर समगरा पावर हाउस में नियुक्त थे जी, जिसमें से जेई भूपेश कुमार के द्वारा हमें मरका पावर हाउस से हटा करके समगरा पावर हाउस में कार्य करने के लिए कहा गया, जो कि लिखित प्रतिलिपि कुछ नहीं दिया गया है। मीटिंग के दौरान फर्जी सर्वे वगैरह किया जा रहा था, उसका हमने विरोध किया। मीटिंग में उपस्थित जेई महोदय, भूपेश कुमार, SDO महोदय एजाज रसूल एवं समस्त संविदा कर्मचारी थी। पवेरू पावर हाउस की बात है जिसमें हमने उसका विरोध किया कि हमारे फीडर में फर्जी सर्वे कराकर कनेक्शन दिया जा रहा है, तो उसमें से उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से मरका पावर हाउस से तुम्हारा काम बंद किया जाता है, तुम समगरा जाना। समगरा पावर हाउस में आज तक कोई लिखित नहीं दिया गया है और सितंबर माह की प्रेजेंटी हमारी 15 दिन की बनाई गई है और इसके बाद 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। पैसा न देने पर 15 दिन की प्रेजेंटी बनाई गई, कभी 10 दिन की बनाते हैं, कभी 20 दिन की बनाते हैं। अक्टूबर माह में जब 8,000 रुपये ले लिया है तो 8 दिन की प्रेजेंटी बना दिया है। अकुशल कर्मचारी से मुझे कुशल कर्मचारी कर दिया गया था। किसने पैसा लिया है आपसे? जय साहब ने। क्या नाम है उनका? भूपेश कुमार। अच्छा, कितने फर्जी कनेक्शन किए गए हैं आपको? लगभग 20 कनेक्शन फर्जी है, जो कि मानक के अनुसार पे 20 मीटर दूरी होती है पोल से, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देने की, जिसमें 150-200 मीटर, 500-500 मीटर दूरी पर 8,000-6,000 रुपये लेकर के घरेलू कनेक्शन दिए गए। अच्छा, आपसे पैसे किस बात के लिए लिए गए? पैसा हमसे इस बात के लिए गए कि हम अकुशल कर्मचारी थे तो हमें कुशल बना दिया गया है और प्रेजेंटी बनाने का पैसा लिया गया। पूरा पैसा नहीं दिया गया, पूरी प्रेजेंटी नहीं बनाई गई। अभी आप जिलाधिकारी के पास आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों? बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हम अधिशासी अभियंता महोदय को तकलीफ भेज रहे हैं, इसके बाद जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट।